जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लश्कर ए तैयबा के एक आतंकी को जिंदा पकड़ लिया गया है। बारामूला से 19 साल के शाहिद फारूक डार को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय सेना ने जैश ए मोहम्मद के स्वयंभू प्रमुख कारी यासिर सहित 3 आतंकवादियों को मार गिराया। यह भारतीय सेना के लिए एक बड़ी सफलता थी। पुलिस और सेना के अधिकारियों ने बताया कि यासिर पिछले साल पुलवामा हमले में शामिल था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए थे। त्राल मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। कारी यासिर पिछले साल फरवरी विस्फोट और लेथापोरा विस्फोट में भी शामिल था। वह एक आईईडी विशेषज्ञ था और उग्रवादियों को भर्ती के साथ साथ पाकिस्तान से उन्हें लाने ले जाने में भी शामिल था। गोलीबारी में सेना के 3 जवान भी घायल हो गए थे, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आईजीपी ने कहा था कि पुलिस को श्रीनगर या उसके आसपास आईईडी हमले के बारे में लगातार जानकारी मिल रही थी। मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित बालिका गृहकांड में दिल्ली स्थित साकेत विशेष पॉक्सो कोर्ट मंगलवार को ब्रजेश ठाकुर समेत 19 दोषियों को सजा सुनाएगा। साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ सजा के बिंदु पर सुनवाई करेंगे। फिलहाल सभी दोषी तिहाड़ जेल में बंद है। सजा के बिंदु पर होने वाली सुनवाई पर मुजफ्फरपुर में समेत पूरे देश की नजरें टिकी है। सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिकारी पीपीआईओ दोषियों के परिजन और अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद रह सकते हैं। बीते 20 जनवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने पॉक्सो कानून के तहत गंभीर लैंगिक हमले व सामूहिक बलात्कार में आरोपितों को दोषी ठहराया था। इससे पहले कोर्ट ने 30 मार्च 2019 को ब्रजेश ठाकुर समेत अन्य के खिलाफ बलात्कार और नाबालिगों के यौन शोषण का आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप तय किए थे। इन पर बलात्कार, यौन उत्पीड़न, नाबालिगों को नशा देने, आपराधिक धमकी समेत अन्य अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था। कोर्ट ने ब्रजेश व बालिका गृह के कर्मचारियों के साथ ही सरकार के समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों पर आपराधिक साजिश रचने, कर्तव्य में लापरवाही व उत्पीड़न की जानकारी देने में विफल रहने के आरोपी में दोषी ठहराया था। इन आरोपों में अधिकारियों के प्राधिकार में रहने के दौरान बच्चों पर क्रूरता के आरोप भी शामिल थे, जो जुवेनाइल एक्ट के तहत दंडनीय है। अदालत ने सीबीआई के वकील और 20 आरोपियों की अंतिम दलीलों के बाद 30 सितंबर 2019 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस बीच कपितीय कारणों से दोषी ठहराने के बिंदु पर सुनवाई के लिए कोर्ट को 3 बार तारीख बढ़ानी पड़ी थी। चौथी तारीख पर कोर्ट ने ब्रजेश समेत 19 आरोपितों को दोषी ठहराया था। सोमवार को मुजफ्फरपुर के अधिवक्ताओं में सजा के बिंदु पर चर्चा होती रही। वरीय अधिवक्ता शरद सिन्हा व प्रिया रंजन अन्नू ने बताया कि कोर्ट ने गैंगरेप, रेप, पॉक्सो, साजिश, मारपीट करने और अन्य धाराओं में दोषी ठहराया है। गैंगरेप व अन्य धाराओं में दोषियों को कम से कम 20 साल कठोर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। कोर्ट जुर्माना भी वसूल सकता है। रेप व अन्य धाराओं में दोषियों को 3 साल से 10 साल व अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। बताया जाता है कि इस कांड में चारों दोषियों को गैंगरेप की धाराओं में दोषी पाया गया है। वर्ष 2012 में दिल्ली में हुए गैंगरेप केस में चारों दोषियों को मौत की सजा सुना दी गई है। राष्ट्रपति के द्वारा खारिज की गई दया याचिका के खिलाफ दोषी मुकेश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में नई दया याचिका दायर की है। इस मामले पर तीनों जजों की बेंच आज यानी मंगलवार 28 जनवरी दोपहर 12:30 बजे सुनवाई करेगी। इससे पहले कोर्ट ने 4 में से एक दोषी पवन के पिता की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें इकलौते गवाह की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया गया था। कोर्ट ने सभी दोषियों को 1 फरवरी का डेथ वारंट जारी किया है। फांसी की सजा को टालने के लिए सभी आरोपी एक एक कर कोर्ट में कोई न कोई याचिका दाखिल कर रहे हैं। निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों को 1 फरवरी को दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी की सजा दी जाएगी। इसे देखते हुए जेल प्रशासन विशेष निगरानी बरत रहा है। चारों दोषियों मुकेश सिंह, पवन कुमार गुप्ता, अक्षय ठाकुर और विनय शर्मा को तिहाड़ के जेल नंबर 3 में 16 जनवरी को लाया गया, जहां उन्हें फांसी दी जानी है। चारों दोषियों पर फिलहाल विशेष निगरानी बरती जा रही है। 23 वर्षीय निर्भया से दक्षिण दिल्ली में चलती बस में 16 से 17 दिसंबर 2012 की रात 6 व्यक्तियों ने सामूहिक बलात्कार किया था। इसके बाद उन्होंने निर्भया को जख्मी हालत में सड़क पर फेंक दिया था। 29 दिसंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। इस जघन्य अपराध के मुख्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी, जबकि अन्य आरोपी नाबालिग था, जिसे 3 साल के लिए सुधार गृह में रखा गया था। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ कई कुछ राज्यों के विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया गया है। ऐसे राज्यों में केरल, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल का नाम शामिल है। कयास लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र विधानसभा में भी इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाएगा। हालांकि उप मुख्यमंत्री और NCP नेता अजीत पवार ने इस मामले पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। अजीत पवार के बयान से तो यह कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र विधानसभा में CAA के खिलाफ प्रस्ताव पेश नहीं
नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाले केरल, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में एक ही पार्टी की सरकार है। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है, यहाँ तीन दलों एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन की सरकार है। आगे उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ कहा है कि सीएए और एनआरसी से किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारे यही विचार है। केरल, पंजाब और राजस्थान के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी इसके खिलाफ सोमवार को प्रस्ताव पास किया गया। इस मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ अल्पसंख्यकों का ही नहीं बल्कि सभी का है। नागरिकता कानून में पड़ोसी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे प्रताड़ित हिंदू, सिख, ईसाई और पारसी को नागरिकता देने का प्रावधान है। नागरिकता संशोधन कानून को संसद के दोनों सदनों में पास करा लिया गया है। राष्ट्रपति की भी मोहर लग चुकी है, उसके बाद से लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। फैसले के तहत प्रदेश के महानगरों में बार अब रात 2 बजे तक खुलेंगे। महानगरों में लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर नगर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, बरेली, अलीगढ़, झांसी, गोरखपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर आदि प्रमुख रूप से शामिल है। अभी तक यहां रात 12 बजे तक बार खुलते थे, लेकिन शराब की दुकानें खुलने का समय रात 10 बजे तक ही रहेगा। प्रमुख सचिव अबकारी संजय बुसरेडी ने बताया कि महाराष्ट्र में हाल में 24 घंटे बार खुलने की व्यवस्था की गई है, लेकिन अपन प्रदेश में केवल रात 12 बजे तक ही खुलने की व्यवस्था थी, जिससे भारत से आने वाले पर्यटक और व्यापारी परेशान होते थे। इनके आने से ही राज्य सरकार को राजस्व मिलता है, इनकी सुविधा की दृष्टि से यह फैसला किया गया है, इसलिए बार अब रात 2 बजे तक खुलेंगे। इसी तरह पंचतारा होटलों में शराब की आपूर्ति सवेरे 4 बजे तक की जा सकेगी। इस सुविधा के लिए पंचतारा होटलों को 10 लाख लाइसेंस फीस के अलावा करीब 6 लाख अतिरिक्त फीस देनी होगी। इस वीडियो में इतना ही, मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।